अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो अब हम जो नई वीडियो अपनी शूट कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें स्फेरिकल मिरर, तो प्लेन मिरर जो हमारे पास में पीछे था उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन थी, उसको एक साइड में पॉलिश किया गया था और एक साइड उसका स्मूथ था, दूसरा साइड उसका रफ था। बट अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर के अंदर हम लोगों को जो मिरर पढ़ना है वो एक सर्कुलर की बात करनी है। सपोज़ ये हमारे पास में कोई भी सर्कुलर ग्लास है, अगर इस सर्कुलर ग्लास का हम एक पार्ट यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ पे इतना पीस हमने कट किया और कट करने के बाद इसको हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं साइड पर, और इसके अगर हम आउटर साइड में पॉलिश कर देते हैं तो ये एक मिरर बन जाता है। अगर इसी पार्ट के हम एक इनर साइड में पॉलिश कर देते हैं, यो भी मिरर बन जाता है। तो इस तरह से सर्कुलर मिरर के अंदर हम आउटर साइड में और इनर साइड में जो पॉलिश करते हैं तो वो मिरर बन जाता है। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो टू टाइप के मिरर होते हैं। अब फर्स्ट अगर मिरर की बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर के लिए, ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है और सेकेंड जो होता है वो कॉनवेक्स मिरर होता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, फिर उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से रफ करते हैं या दोबारा से इसकी इमेज को बनाने का काम करते हैं। तो हमारे पास में अगर ये सपोज के ये कोई स्फेरिकल ग्लास था, इस स्फेरिकल ग्लास के अंदर से हमने ये पीस कट किया इतना और भी पीस कट करके हमने यहाँ पर लगा दिया और इसके लिए यहाँ पे हमने एक साइड में पॉलिश कर दिया। तो इस तरह का जो मिरर जो अंदर वाले साइड में देखो साइड से क्या हुआ, झुका हुआ है, तो इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। हम इसे अपने हाथ से भी बना सकते हैं ऐसे, जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की थी प्लेन मिरर के लिए, तो ऐसे हमारे पास में सीधा हाथ हुआ। और अगर हम इस हाथ को ऐसे झुका लेते हैं तो इसके आउटर साइड में पॉलिश हो रहा है बट इनर साइड में हाथ के पॉलिश नहीं होता। तो इस तरह से जो बन के आया वो एक कॉनकेव मिरर बनेगा और बीच का पार्ट एक गुफा की तरह से, केव की तरह से स्ट्रक्चर ले लेता है। तो इसी वजह से इसका नाम भी हम यहाँ पे कॉनकेव, और मिरर तो इसलिए बना क्योंकि ग्लास था उसके एक साइड में पॉलिश कर दी गई तो ये यहाँ पे मिरर बन गया। अब ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल था हमारे पास में, इसको हमने कट किया यहाँ पर लगाया और इसके बीच से भी देखो यहाँ पर अगर हम सेंटर से इसके मिड में एक लाइन पास आउट करें तो इसको रेडियस बोला जाता है इस सर्कल के लिए। तो बट अगर हम यहाँ पे भी इसके मिड में लाइट पास आउट करें तो ये इसका मिड पॉइंट जो है, सपोज़ ये सर्कल जो ड्रॉ होगा वो सर्कल का ये सेंटर बन के आएगा और ये जो इसका मिड पॉइंट होगा इसका नाम पोल होगा। अब ये जो सेंटर है ये इस पार्ट का है और इस पार्ट का नाम कर्वेचर है, तो उसी वजह से इस सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दूसरा पॉइंट इज पॉल। उसके बाद ये जो हमारे पास में इन दोनों के पार्ट में एक और बीच में एक मिड पॉइंट आता है जो दोनों के बिल्कुल मिड में होता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। अब सेंटर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पार्ट कर्वेचर है और ये क्या होंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये बीच की रेडियस रहेगी, तो उस वजह से इस वाला डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोला जाता है। देन फोकस से लेके जो पोल तक डिस्टेंस होता है ये बिल्कुल पोल से है, तो इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और इस डिस्टेंस का नाम होता है फोकल लेंथ। हाँ, तो कोई भी अगर कॉनकेव मिरर की हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर के अंदर हमें यहाँ पे ये जो पार्ट है इस पार्ट के आउटर साइड में पॉलिश करना पड़ेगा
और पॉलिश के अंदर वाली साइड स्मूथ होगा, बाहर वाला साइड पॉलिश करने के बाद रफ बन जाता है। सेंटर से लेके उसके पोल तक डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस से लेके पोल तक डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद अब हमें इसके जो और पॉइंट हैं वो साथ साथ समझते जाते हैं कि जो भी हम स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमने कॉनकेव लिया तो सेम वैसे ही कॉन्वेक्स भी लेंगे। अगर कॉन्वेक्स को हम बनाएं तो ये उसे साइड में बना लेते हैं इसी के ही, और उसका भी प्रोसेस हम साथ साथ समझ लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें, ये जो मिरर है इसके आउटर साइड में पॉलिश किया था, एक और मिरर यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा बिल्कुल इसी तरह का है देखो, और उसके हम इनर साइड में पॉलिश कर लेते हैं, इनर साइड में पॉलिश कर लेते हैं। अब इसका भी सर्कल इसी तरह से ड्रॉ होगा, ऐसे ही ड्रॉ होगा, तो इसके लिए भी हम एक लाइन पास आउट कर लेते हैं इसके मिड से। और ये जो लाइन हमने पास आउट की है, ये बिल्कुल ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो सेंटर और पोल को मिलाते हुए ड्रॉ की जाती है, तो सेंटर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये लाइन भी है हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस ही है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, ये फोकस होगा। अब होगा क्या, बेसिकली इस कॉनकेव मिरर के, कॉनवेक्स मिरर के अंदर और इस कॉनकेव मिरर के लिए दोनों के अंदर बहुत बहुत फ़र्क होता है, वो दोनों फ़र्क को हम यहाँ पे समझेंगे। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये वाला इसका सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, इधर वाला ये वाला सरफेस इसका स्मूथ सरफेस है, और ये वाला सरफेस इसका रफ सरफेस है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें इसका, इस वाले के लिए, तो ये कॉन्वेक्स जो मिरर है इसके पॉलिश इस तरफ हो रहा है, तो इस वाली सरफेस को बोलेंगे हम रफ सरफेस, और दूसरी वाली सरफेस जो इधर से पॉलिश नहीं हो रही है, ये वाला सरफेस कहलाएगा इसका स्मूथ सरफेस। अब इसके अंदर से जो लाइट इस तरफ से जाएगा ऐसे यहाँ पे, वो सब का सब लाइट यहीं पे डिफ्यूज्ड हो जाएगा, यहीं फैल जाएगा, और जो लाइट इधर से आएगा वो लाइट स्मूथ सरफेस की प्लेन सरफेस पे आकर टकराने के बाद वो बैंड होगा। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन लाइट इधर से आएगा वो तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को प्रूफ करेगा, बट जो लाइट इधर से आएगा वो लाइट रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस को प्रूफ नहीं करेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी, अगर लाइट इधर से आ रहा है रफ वाली सरफेस की तरफ, तो वो सारा डिफ्यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो सारा लाइट यहीं फैल जाएगा। अगर लाइट इधर से जाएगा तो इसे स्मूथ सरफेस की तरफ जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को प्रूफ करेगा। यही इसके अंदर सेंटर फोकस बिल्कुल इसी तरह से बनना है। दोनों में फ़र्क दूसरा ये भी है कि इसके लिए स्मूथ सरफेस की जो हमारे पास में ये बन के आ रही है यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों स्मूथ वाले सरफेस के साइड में है, बट कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रफ वाले सरफेस के साइड में होता है फोकस भी और सेंटर भी। अब लाइट रे इधर से इसके अंदर एंटर करेगा तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को प्रूफ करेगा, जो इधर से करेगा वो यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा, और इसके उसके लिए लाइट यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस वाली तरफ से आएगा वो तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को प्रूफ करेगा, और जो इधर यहाँ पे रफ सरफेस की तरफ से आएगा वो यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इसका रे डायग्राम समझना है दोनों का, कि इसका रे डायग्राम कैसे बनता है, उसका रे डायग्राम कैसे बनता है। तो अब हमारे पास में जो दोनों दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों से रे डायग्राम को समझेंगे, और रे डायग्राम से ये मिलता जुलता फिर इमेज फॉर्मेशन आएगा, और इमेज फॉर्मेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वहाँ से आता है इमेज फॉर्मेशन पे, वो किस कॉनकेव के लिए 6 इमेज फॉर्मेशन आपके सिलेबस में है, और कॉन्वेक्स के लिए 3, कॉनकेव के लिए 6, कॉनकेव की भी हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 इमेज फॉर्मेशन होंगे और कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं, वो हम बना के दिखाएंगे आपको। तो पहले हम रफ करके इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं कि इसका रे डायग्राम किस तरह से बन के आएगा। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव
मिरर। अब सपोज करो ये हमारे पास में यहाँ पे कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर के लिए हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, इस रफ सरफेस बन गया, अंदर वाला सरफेस स्मूथ हो गया, उसके बीच में कोई लाइन पास आउट हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये पॉइंट पोल होगा। सपोज ये पॉइंट कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन तीनों के बीच में यहाँ पे हमारे पास में कोई फोकस पॉइंट आया। अब बेसिकली इसके अंदर जो होता है कि कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन यही आता है कि लाइट कहाँ से आए। अब लाइट को अगर हम सपोज करें कि इनफिनाइट से आ रही है, इनफिनाइट का मतलब ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है, सामने से भी आ सकती है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे लाइट जो गई है वो इनफिनाइट से ये गई है और ये जाके इस वाले सरफेस पे टकराई है। अब ये जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है और हमें पता है कि जब इंसिडेंट लाइट किसी मिरर पे टकराती है, जैसे आपने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था, जैसे ही इंसिडेंट लाइट आके टकरा रही थी यहाँ पे, तो उसके लिए फिर नॉर्मल का काम कौन कर रहा था, ये नॉर्मल आया था यहाँ पे, जो हमेशा मिरर से 90 डिग्री पे होता है, हमेशा 90 डिग्री पे, ऑलवेज 90 डिग्री पे, ये इंसिडेंट लाइट रही थी, तो ये 90 डिग्री पे था यहाँ पे, अगर ये 90 पे था तो ऊपर वाला एंगल भी 90 क्रिएट होगा। अब उसी के लिए यहाँ पे भी ये जो हमारे पास में मिरर है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए याद रखेंगे कि हमेशा जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल गया यहाँ पे इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल गया। अब नॉर्मल जैसे ही यहाँ पे जाके टकराएगा तो ये लाइट की इमेज यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिएट कर देगी आई। अब जैसे ही इंसिडेंट एंगल यहाँ पे नॉर्मल के साथ में क्रिएट हो गया, सेम उतना ही एंगल अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि जितने एंगल पे लाइट रे आती है उतने एंगल से लाइट रे वापस भी जाती है। तो ये हमारे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस वाली लाइट के साथ में यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिएट कर रहा है, तो सेम वे से ही वो लाइट अब रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट करते हुए इस तरह से यहाँ से निकल के आगे आ गई, तो इस वाले एंगल को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये जो लाइट रे निकल के आई इस बोल रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी बात यहाँ से ये भी समझना है, जो बीच में से हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल गया है, ये नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे को दो एंगल में डिवाइड करता है, एक एंगल तो इंसिडेंट बन जाता है, दूसरा एंगल रिफ्लेक्टेड बन जाता है। जो लाइट जिस तरफ से आ रही है सोर्स से, तो उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट रे यहाँ से मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, उसको रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट करते हुए जो लाइट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो प्रोसेस अप्लाई होता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के, ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये दो हमारे पास में फर्स्ट प्रोसेस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था इस तरह से, और इसी के पैरेलल में लाइट रे आया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा फोकस से होके जाएगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये हमारे पास में लाइट रे आया है यहाँ पे। अब इस लाइट रे के अंदर जो बन के आई हैं चीज़ें, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लाइट पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट हमेशा फोकस से होके जाता है। फोकस से होके क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जाता है और वो नॉर्मल उस लाइट रे को दो इक्वल पार्ट के एंगल में डिवाइड कर देता है, उस वजह से वो लाइट यहाँ पे बिल्कुल बीच से होके जाता है। अब उसके लिए अगर लाइट फोकस से ही आ जाए ऊपर से तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। रे डायग्राम ये फर्स्ट था हमारे पास में, और अब हम सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपना, इसका सेकेंड रे डायग्राम। मगर सेकेंड रे डायग्राम की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए जो हमारे पास में लाइट, हम बात कर रहे थे कि अगर लाइट फोकस से ही आ जाए, सपोज़ ये हमारे पास में लाइट ऐसे आ रहा है और ये फोकस से होके जाके आगे इंसिडेंट हुआ मिरर के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे ये लाइट यहाँ पे गिरा, तो उसके लिए नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा, ये याद तो रखेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे हमारे पास में लाइट ऐसे गया, इस तरह से आगे निकल गया। अब उसके लिए ये इंसिडेंट एंगल क्रिएट हो गया यहाँ पे आई, जैसे ही इंसिडेंट एंगल क्रिएट हो गया तो इतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड भी बनना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया आर।
अभी रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए लाइट रे बिल्कुल सीधा निकल के आ जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे फोकस से आया है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल पैरेलल हो गया है वो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उस वजह से जो लाइट रे फोकस से आता है वो लाइट यहाँ पे पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा इसका इमेज फॉर्म रे डायग्राम है। पहला रे डायग्राम के अंदर क्या था कि लाइट अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से जाता है, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें से जो फोकस से आता है वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड वाले के अंदर करना क्या होता है यहाँ पे, वो भी अलग है। थर्ड वाले को हम अगर ज़ूम करें कि जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट रे नॉर्मल से ही आ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका भी नया इसका इमेज डायग्राम रे डायग्राम है, और रे डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर उसको समझ लेते हैं कि कैसे वो बनता है। ये हमारे पास में इसका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर के बीच से लाइट रे पास आउट हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट इसका प्रिंसिपल बॉल एंड देन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके साथ साथ में हमारे पास में ये फोकस। अब उसके लिए हम लोगों ने जो समझना है यहाँ पे कि लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाए, तो सपोज़ करो कि लाइट यहाँ से आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गया मिरर के ऊपर, और हमको ये बात का पता है कि लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ड्रा होगा, तो नॉर्मल भी इसके ऊपर को ही जाएगा। अब नॉर्मल के लिए और जो नाइट इंसिडेंट आ रही थी दोनों के लिए कोई एंगल नहीं बन रहा, दोनों एक ही लाइन पे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आ रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है। अगर इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी यहाँ पे ज़ीरो ही होगा। एक चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे, वो याद रखेंगे कि जैसे ही कोई लाइट रे इसके ऊपर जाके टकराती है इस पॉइंट पे, अब इंसिडेंट लाइट रे हिस्से गई यहाँ टकराई, और इन रिफ्लेक्टेड लाइट रे वापस उल्टी हटके आनी है, क्योंकि जितना इंसिडेंट एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड, अगर इंसिडेंट नहीं बना तो रिफ्लेक्टेड भी नहीं बनेगा, तो लाइट वापस इसी पॉइंट से उल्टा हटके आना शुरू हो जाता है, तो वो वापस इसी तरह से चल दिया है इसे वापस। तो जो लाइट रे इंसिडेंट से नीचे को जाता है वो लाइट रे सेम पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाता है, इसका मतलब ये लाइट ये हुआ कि लाइट जो भी कोई रे की फॉर्म में आ रहा है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाता है, तो इसका मतलब वो कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट का नहीं बना रहा, क्योंकि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ जाकर टकराया, देन वापस उसी मीडियम में को सीधा आ गया। तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाता है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। अगर ऐसा मान लें कि शायद लाइट ना तो पैरेलल आए ना फोकस से आए और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, लाइट सीधा आपका पोल पे आ जाए, इस वाले पॉइंट पे आ जाए, तो उसके लिए भी इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो इसके रे डायग्राम को हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, देन उस डायग्राम को बना के फिर उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास में सपोज ये बन के आया है कॉनकेव मिरर, उसके अंदर हमें यहाँ पे ये मिड पॉइंट इसका पॉल हुआ, ये पॉइंट इसका फोकस हो गया, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसके लिए जो मान रहे हैं कि लाइट अगर पोल पे आए, तो सपोज ये लाइट गया यहाँ पे पोल पे, अब पोल पे जब लाइट जा रहा है लाइट यहाँ जाकर टकराया, अब हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जैसे ही लाइट यहाँ जाकर टकराया तो इसके लिए नॉर्मल इस तरह से इसके ऊपर कोई ओवरलैप होता हुआ यहाँ पे नॉर्मल इससे आगे चला जाएगा ऐसे। अब जब नॉर्मल यहाँ पे गया तो नॉर्मल के साथ में ये इंसिडेंट एंगल क्रिएट हुआ आई, और जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये एंगल यहाँ पे इसी के साथ साथ में आर बन जाएगा, तो इसका मतलब लाइट जितना इंसिडेंट एंगल क्रिएट करेगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड भी क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल आई जो है वो इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल आर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने समझना है यहाँ पे अगर लाइट ना तो पैरेलल आए ना फोकस पे आए और ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए और ना पोल पे आए, लाइट इन दोनों के मिड से आ जाए या इन दोनों के मिड से आ जाए या किसी भी पॉइंट से लाइट रे आ जाए, तो उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी अब इसके बाद समझ लेते हैं। ये आपके 4 डायग्राम थे जो आपकी बुक में दे रखे हैं,
उसके बाद अगर इसके आगे वाले भी हमें समझने हैं तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें हेल्प मिलती है इमेज फॉर्मेशन के अंदर। सपोज़ ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास में ये बॉल है, उसके लिए ये पॉइंट हमारे पास में फोकस है, ये पॉइंट हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे समझना ये है कि लाइट रे जो है, अगर वो लाइट हमारे पास में दोनों के बिल्कुल मिड से आ जाए, यहाँ से आ जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में से आए, और जैसे ही बीच में से आएगा तो यहाँ जाकर टकराएगा। अब अगर इस पॉइंट पर टकराया तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये नॉर्मल गया, ये यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिएट हुआ इसका आई। अगर ये इंसिडेंट एंगल क्रिएट हो गया यहाँ पे आई, तो जितना इंसिडेंट एंगल क्रिएट हुआ उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्रिएट होगा। अब इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट होते 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 ये लाइट ऐसे निकल गया, तो जितना इंसिडेंट एंगल क्रिएट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्रिएट होगा यहाँ पे इसका आर। तो इसका मतलब ये हुआ जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना आगे से आया उतना ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से भी चला गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम था यहाँ से नॉर्मल को नॉर्मल गया, और वो नॉर्मल उस लाइट रे को इंसिडेंट लाइट रे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक इक्वल पार्ट में इंसिडेंट एंगल क्रिएट हो गया, दूसरे में रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट हो गया। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि लाइट रे इन दोनों के बीच से भी ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच से भी ना आए, अगर दोनों के बीच में से आ रहा है तो लाइट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से जा रहा है बियॉन्ड सी। और अगर हम ऐसा मान लें कि लाइट ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में से आए, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आए, ना फोकस से ही आए और ना पोल से आए और ना पैरेलल आए, लाइट रे जो है आपके पास में वो फोकस और पोल के बीच से आ जाए। अब फोकस और पोल के जब बीच से लाइट रे आएगा तो वो दोनों के बिल्कुल बीच में से जाए, जिस तरह से यहाँ पे हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में है इसका कॉनकेव मिरर, और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में यहाँ पे आएगा ये पॉइंट हमारे पास में पॉल, ये फोकस आ गया, और उसके साथ साथ में ये हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब इसके लिए अब हम जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लाइट दोनों के भीड़ से आ जाए, अगर दोनों के मिड से आएगा तो ऐसे आके टकराएगा यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे आके टकराया लाइट तो नॉर्मल तो हमेशा यहाँ से जाना है। अब नॉर्मल लगे हमेशा यहाँ से जाना है तो नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल गया, ये इंसिडेंट लाइट रहता, तो ये अगर इसने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिएट कर दिया तो वैसे ही लाइट यहाँ पे नीचे को भी जाएगा, तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट उतना ही करता जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल आर के, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी लाइट रे हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे ही लाइट जिस पॉइंट पे जाके गिरेगा उसी पॉइंट पे नॉर्मल को भी ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट पे, तो उस तरह से अब लाइट कॉनकेव मिरर के लिए कहीं से भी आ जाए, आपके सेंटर से आए, सेंटर से पीछे से आए, सेंटर के आगे से आए, फोकस से आए, फोकस के आगे से आए, पोल से आए, कहीं से भी आए लाइट पे, पैरेलल आए, किसी भी लाइट पे आए, उसके लिए आपको बस नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाना है, और मिरर के जिस पार्ट पे लाइट रे जाके टकरा रहा है उसी पॉइंट पे नॉर्मल को ले जाना है, और उस लाइट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, देन फिर अपने आप उसका इमेज बन जाएगा। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसका इमेज यहाँ पे जो बन रहा है ये दोनों इसका जो रे डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में से जो लाइट रे गया, और वो फोकस और पोल के बीच से जो लाइट रे गया लेकिन वो प्रिंसिपल इसके पैरेलल नहीं हुआ, वो धीरे धीरे नीचे को चला गया, क्योंकि लाइट फोकस के आगे से आया, अगर फोकस से आता तो पैरेलल हो जाता, तो फोकस के आगे आया तो धीरे धीरे नीचे को चला गया, अब ये लाइट नीचे ही जाता जाएगा, ये पैरेलल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास में सिक्स इमेज फॉर्मेशन, सिक्स रे डायग्राम हमने यहाँ पे बनाए हैं, और इन सिक्स रे डायग्राम के अंदर ये हमारी बुक में सिर्फ स्टार्टिंग के फोर दे रखे थे, दो ही एक्स्ट्रा हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो ये रे डायग्राम हमें इमेज फॉर्मेशन के अंदर बहुत हेल्प करेंगे,
कॉनकेव मिरर के लिए ये डायग्राम रे डायग्राम, अगली वीडियो में हम शूट करेंगे इसका कॉनवेक्स मिरर का रे डायग्राम एंड देन इमेज फॉर्मेशन। और इसी के साथ साथ हम आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा बनाएंगे और उसको भी हम लाइव वीडियो में आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि जो सैम्पल पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स वाले पार्ट से वो कितने आते हैं और कैसे आते हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, ताकि हम जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसके अंदर इस बात को अच्छे से समझते चलेंगे और साथ साथ में हम पेपर को स्टेप बाय स्टेप सोल्व भी करते चलेंगे। यहाँ पे सैम्पल पेपर को वन बाय वन सैम्पल पेपर सोल्व भी करते जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड के आए हुए हैं उनको भी देखेंगे और जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आए हुए और जो अपने ही हमारे सीबीएसई के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं 10th क्लास के बोर्ड में आने वाले उनको भी डिस्कस करते आपके साथ में चलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।